तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम इसी सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हुए अब अगला सवाल पूछ रहे हैं मैडम से। अब अभी आपने वापस जो अभी नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, आप जी ये जो अभी आशा गोली जी है, ये अब रहती हैं पनवेल में, टका गांव में। मेरा सिर्फ तीन रूम है, मेरा तीन रूम का प्रूफ है मेरे पास, 91 का प्रूफ है तीन रूम का। उसने 30 रूम उसमें बनाया, मेरा कारखाने में 30 रूम उसने बनाया, गलत तरीका से बनाया, और 2003 में उसने प्रूफ बनाया। अभी मेरे को कैसा भी मेरा जागा मेरे खाली करके मेरे को चाहिए। वो इतना दिन से कब्जे में है, वो मेरे को अच्छा वो रहेगा तो भाड़ा, तो भाड़ा का बात तो है ही नहीं, क्यों मैं भाड़े पे नहीं छोड़ी हूँ। वो भाड़ा मेरे को देने को कब्जा किया है, मेरे को खाली चाहिए। मेरे को पुलिस का तरफ से आज तक कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। जब भी मैं गई तो मेरे को 3 बार पकड़ के पुलिस बंदी किया, और दूसरा कुछ मेरे को पुलिस का तरफ से, मेरे कोर्ट से भी और पुलिस से भी, मेरा घर मेरे को खाली चाहिए, मेरी मदद करो, बस उतना ही मैं बोलती हूँ। मेरे को मेरा मदद चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत तकलीफ। इनका अब सवाल तो आपने सुन लिया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। इनका ये कहना है कि ये वर्ली कोलीवाड़ा जो मुंबई में है वहाँ पे रहती थी, इनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्लॉट दिया था, या एक तीन दुकानें दी हुई थी इनको, इनके हस्बैंड के नाम पे थी। और ये जो हुआ था डील 1991 में हुआ था, लेकिन 1995 में इनके हस्बैंड की मर्डर हो गया था, और उस सिलसिले में इनको आशा जी को 1.5 साल पुलिस कोठड़ी में रहना पड़ा था। उसके बाद ये जैसे ही पुलिस से अपना कोठड़ी से बाहर आई, इन्होंने क्या किया, अपनी सास को लेके और अपने बच्चे को लेके, इधर बदनामी हो रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये गांव चली गई। और जो इनके दुकान में जो दो लोग काम कर रहे थे, एक हयात अंसारी करके था और एक HD खान करके, दो लोग थे। जब उन्होंने देखा कि ये आशा गोली जी बाहर चली गई है, गाँव चली गई है, वापस आने का इनका कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा है, तो जो इनके तीन दुकानें जो थी, इन्होंने तीन दुकानों को डिमोलिश करके या बढ़ा चढ़ा के या छोटा करके 25 दुकानें, 25 फ्लैट्स बना दिए उसके ऊपर। मतलब छोटे छोटे दुकानें खोली छोटे टाइप। छोटे खोली टाइप इन्होंने बना दिए। अब जब ये गई आशा जी, काफ़ी सालों बाद जब गई कि भाई आपने मेरी जगह पे आपने कब्जा कैसे कर लिया, तो इन्होंने उनको काफ़ी बेइज्जत करके, हयात अंसारी और खान साहब ने इनको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद ये वर्ली पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे भी इन्होंने कंप्लेन किया है। उसके बाद ये BMC भी गई हुई है। इनका जिस हिसाब से आपने पूरा सुना, आपने जिनका वाक कि भाई मैं BMC भी गई थी, मैंने उधर भी कंप्लेन लिखाई है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कुछ इनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये आगे क्या करना चाहिए इनको? जब आपके घर में कोई घुस आता है तो आप क्या करते हो? सिंपल, पहले तो आप घर पे हो तो आप उसको घुसने ही नहीं दोगे। अगर आप घर पे नहीं हो तभी कोई घुस के आया तो आप क्या करोगे? जब आप आओगे तो उसको बाहर निकालोगे ना। तो ये लोग शायद फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, इन्होंने छोटी छोटी 25 खोलियां निकाली, वो भी आगे भाड़े पे दे दी होगी। बराबर है। और ये लेडी है बेचारी, छोटा बच्चा या जो भी हुआ रहेगा इनके साथ में, इन्होंने इनके हस्बैंड का मर्डर किया या जो भी है, सजा भुगती, फिर गांव चली गई। और अब इनको क्या करना चाहिए? ये BMC में राइटली गई, BMC में जाती तो वो तीन दुकानों का 25 खोली कैसे हुआ? सब जगह क्या है कि पॉलिटिक्स या करप्शन, ये नहीं होता तो इनको जरूर कोई वोट बैंक सुनता या वोट बैंक कोई सुनता। वो 25 खोली में 25 वोट बैंक आ गया ना। तो अगर वो वहां के कॉरपोरेटर या वहां का महिला मुक्ति या वहां के जो भी BMC के वार्ड ऑफिसर हैं उनसे अगर ये मिले और बोले कि ये देखो मेरे पास लीज के पेपर्स, अगर इनके पास इनके हस्बैंड के लीज हो तो मैं ही उनकी वाइफ हूँ, ये लीज मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, तो पहले खुद के नाम पे लीज ट्रांसफर करा लो, मेरे नाम पे कुछ आ गया फिर ये कोर्ट में भी केस कर सकती है कि ये 25 दुकानें, मतलब खोली जो है, ये तीन दुकानें मेरी हैं, तुम सब निकलो यहां से। लेकिन जैसे अभी आपने जो इनका जो सवाल सुना है, ये जो भी बात है 1991 की बात है, मेरे ख्याल से 91 से आज 24 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो 24 साल के बाद आपको लगता है लिमिटेशंस, कि जो रेंट पे जो लोग रह रहे हैं वो घर खाली करेंगे, उसके ये बाद राशन कार्ड बन गए रहेंगे, मीटर्स लग गए हैं, सब चीज़ें बन गई है, अब वो कोई भी खाली करने को तैयार नहीं। इसमें से हो सकता है किसी ने तो बेच भी दिया रहे, कितने लोगों ने तो छोटी छोटी खोलियां बेच के पैसे भी ले लिए रहेंगे। इतना मतलब अभी बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड व्हील्स हो उनटे गया है, व्हील्स, कॉम्प्लिकेशन इतने हो चुके कि अब टाइम ये एक एक करके इनको टाइम बहुत हो गया सुलझाना है, एज यू पड़ेगा। राइटली सेइंग टाइम बहुत हो गया है। लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, उसमें भी ऐसा है कि भाई 2 से 3 साल हाँ, मैक्सिमम, अब 24 साल अब हो चुके चौबीस हैं, साल हो पच्चीस चुके साल हो हैं, चुके, लेकिन तो कम से कम इनको बोलो कि BMC में जाके वो जो लीज गवर्नमेंट ने इनके हस्बैंड के नाम की थी वो उनकी वाइफ मैं हूं, बल्कि कम से कम शुरुआत तो करे, वो लीज अपने नाम पे करे,
फिर शायद इनको राइट मिलेगा। आज तो ऐसा है कि इनके हस्बैंड जिंदा है नहीं, वो लीज किसके नाम पे है पता नहीं, किसने किसके नाम पे ट्रांसफर करा ली हो, तो इनको एक स्टेप बोलो पहले वो लीज अपने नाम पे ट्रांसफर कराए, फिर आगे कर देंगे। तो आशा जी, जैसे आपको मैडम ने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले तो बीएमसी में जाके कंप्लेन लेनी पड़ेगी, वैसे भी काफ़ी साल हो गए, 24 साल हो चुके इस बात को, तो आपको सबसे पहले बीएमसी में जाके आप कंप्लेन कीजिए कि जो लीज जो गवर्नमेंट ने दी हुई है ये आपके नाम पे है, आपके हस्बैंड के नाम पे थी। उसके बाद में आप जब स्टेप एक स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, दो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, तो आस्ते आस्ते आपको रास्ते मिलेंगे। काफ़ी टाइम होने के कारण गारंटी कोई भी नहीं देगा कि आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों ने इसको सेल किया रहेगा, छोटे छोटे खोलियाँ बना के, कई जन भाड़े पे रहते रहेंगे, कई लोग जिन्होंने डिपॉजिट दिए हुए रहेंगे, तो उनको अल्टरनेटिव उन लोग बोले वह ठीक है हम खाली खाली कर रहे हैं तो हमको अल्टरनेटिव जगह दीजिए। तो आप सबसे पहले आप बीएमसी में कंप्लेन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट के पास जाइए, लेकिन टाइम तो लगेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी साल हो चुके हैं, तो आपको ये प्रोसेस करने में टाइम तो लगेगा। अब जो अगला सवाल है, ये जो हमारे जो श्रोता है ये राजू गवली जी है सानपाड़ा से, सानपाड़ा जुई नगर से। जे सभासद आहेत भूखंड क्रमांक 256 फ्लॅट नंबर 102 यांनी रूम दुरुस्तीसाठी सोसायटीसाठी सोसायटीकडे परवानगी मागितली होती, तर सदर परवानगी सोसायटीने ग्रँट केली, त्यांची मान्य केली व त्यांना तशी परवानगी दिली, बाबा तुमच्या घराची दुरुस्ती वगैरे करून घ्या वगैरे। आणि अशी परवानगी दिली असताना त्यांनी घरामध्ये टोटली अनधिकृत बांधकाम केले, त्यांनी जे असे बांधकाम केलेलं आहे स्लॅब टाकून, लोखंडाचे विम टाकून, त्याच्यामुळे बिल्डिंगला आणि त्या स्ट्रक्चरला तडे गेलेले आहेत आणि कमजोर केली, तर त्या संबंधित आम्ही त्यांना नोटीस वगैरे पाठवली, संबंधित त्यांच्याशी चर्चा केली, नोटीस पाठवून त्यांना हे केलं। त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं स्पष्टपणे तुम्हाला कुठे तक्रार करायची तिकडे करा माझी, मग त्यानंतर त्या संबंधित मी एक पत्र सोसायटीच्या माध्यमातून मीटिंग घेऊन त्याच्यानंतर मग महानगरपालिकेच्या ऑफिसमध्ये जाऊन मी आयुक्तापर्यंत तक्रार केल्या, आयुक्तापर्यंत त्यांचे ॲसिस्टंट्स वगैरे सगळ्यांना भेटलो, त्यांच्याकडनं काय मला योग्य समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही, त्यासाठी आम्हाला शेवटी नाईलाजाने आज तुमच्या आवाज या चॅनलच्या माध्यमातून आज आम्हाला आमची माझी माझ्या सोसायटीच्या सभासदांची अशी अपेक्षा आहे की आम्हाला फक्त न्याय हा तुमच्या चॅनलच्याच माध्यमातून मिळू शकतो असा आमचं ठाम विश्वास आहे, आणि त्या संबंधित तुम्ही तुमचे संपूर्ण टीम आम्हाला संपूर्ण सहकार्य कराल अशी आम्ही आशा बाळगतो। क्लिपिंग अब देख ली आपने, ये जो है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इनका ये खुद एक चेयरमैन है बापू दर्शन सोसाइटी करके सेक्टर 23 जुई नगर में। तो इनका ये सवाल है कि इनके एक फर्स्ट फ्लोर पे एक मैडम रहती थी मिसेस इनामदार करके, इन्होंने सोसाइटी से परमिशन लिया था भाई मुझे अपने घर में थोड़ा सा रिनोवेशन करना है, मुझे बालकनी में थोड़ा सा रिनोवेशन करना है। तो इनकी सोसाइटी ने इनको परमिशन दिया कि ठीक है आप बालकनी का थोड़ा सा रिनोवेशन कर दीजिए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बालकनी को ही रूम बना दिया, वहाँ पे इलीगली एक इसका पानी का कनेक्शन भी ले लिया है, और जिस हिसाब से इन्होंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, इनको राजू गवली जी को ऐसा डर लग रहा है या इनकी जो सोसाइटी मेम्बर्स हैं इनको भी डर लग रहा है कि कल कुछ भी स्लैब में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इनका यही सवाल है, जैसे आपने सुना इनसे कि भाई इसको लीगली हमने ऑलरेडी कंप्लेन भी की हुई है लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इनको और विस्तार से बताइए। इनको बोलिए पहले तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट ले, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट लेने से ये पता चल जाएगा कि ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है उसकी वजह से बिल्डिंग को पूरे नुकसान होने की संभावना है। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट लेके ये एनएमएमसी में जाए, बिकॉज ये जुई नगर बोले तो एनएमएमसी वार्ड। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो आप बोल रही है ये एनएमएमसी के रहते हैं या प्राइवेट भी चलते हैं? प्राइवेट भी चलते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं जो ये पता करते हैं कि भाई कितना वेट बीम पे वो जो भी है कॉलम पे वगैरह सब पड़ रहा है इसके अनधिकृत बांधकाम करने से। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट आ गया तो वो लेके वो एनएमएमसी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाए, वहां पे कंप्लेन फाइल करे। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इज वेरी विजिलेंट इन नवी मुंबई,
इमीडिएटली सामने वाले को नोटिस जाएगी, और वो अगर प्रूव नहीं कर सकता है कि मैंने ये सब विद परमिशन किया है, लोग बुलडोजर लेके तोड़ने आ जाएंगे। अगर विद परमिशन भी करके, लेकिन इलीगली है ना, कैसे करेगा विद परमिशन? उन्होंने उन्होंने ऐसे बताया कि मैं खाली थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, तो रॉन्ग ही है ना। विद परमिशन बोले तो कवर करने का परमिशन तो नहीं था, उन्होंने तो थोड़ा बहुत लीकेज या टेरेस या बालकनी में कुछ करने के लिए बोला होगा, कवर करने किसी ने उनको परमिशन नहीं दिया है, दैट मीन्स इट इज इलीगल। सो इनको बोलिए सोसाइटी की तरफ से स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्ट लेके एनएमएमसी में अनऑथोराइज डिपार्टमेंट में कंप्लेन करें, और सारे बिल्डिंग के लोगों के सिग्नेचर्स, ऑफ कोर्स ये कमेटी मेंबर को चेयरमैन है तो उनको वो भी जरूरत नहीं है, रेजोल्यूशन पास कर दिया तो अनधिकृत डिपार्टमेंट वाले आके उनको तोड़ के जाएंगे। नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर इंजन जो आप बात कर रही है, ये बाहर से होगा कि अंदर नहीं, बेशक अंदर भी जा सकते, पर अंदर जैसे अभी आज जैसे वो मैडम जो बता रहे कि ये घर मेरा है, आपको किसी को भी परमिशन नहीं दे रही अंदर जाने के लिए। प्रोसीजर है इसका, प्रोसीजर है कि सोसाइटी कैन पास अ रेजोल्यूशन दैट द सोसाइटी विल डेप्यूट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हु विल कम एंड इंस्पेक्ट योर प्लेस। अच्छा। अगर वो नहीं अंदर आने देती है, आप पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं कि दो, एक लेडी कांस्टेबल दे दो, एक जेंट्स कांस्टेबल दे दो, हमको इंस्पेक्शन लेना है। देयर आर प्रोसीजर्स इन द बाय लॉ, मैं क्योंकि किसी को घर पे नहीं आने दे रही हूं, तो जब भी आप पुलिस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो गौली साहब जैसे अभी मैडम ने आपको बताया है कि आप सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट लीजिए, आप एनएमएमसी का भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ले सकते हैं, प्राइवेट भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिपोर्टिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप जाके एनएमएमसी में जो है डिपार्टमेंट है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आप उधर जाके कंप्लेन कीजिए। उसके बाद में अगर सपोज तो मैडम आपको आने नहीं दे रही है फ्लैट के अंदर, बोल रही है मेरा फ्लैट है, मेरा पोजीशन है, मैं ओनर हूँ इस फ्लैट की, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस की मदद ले सकते हैं, एक लेडी कांस्टेबल को लेके जाके, क्योंकि उनको भले हो वो फ्लैट ओनर है लेकिन इलीगल करेंगे, इलीगल कुछ भी काम अलाउ नहीं कर सकते। तो आप जैसे आपके सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास कर लिया आपने, आप जो आप पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, तो उसके बाद में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा एनएमसी। और जिस हिसाब से मैडम ने बताया जो हमारी जो ये जो डिपार्टमेंट है ये अनऑथोराइज डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना विजिलेंट है कि इमीडिएट आके एक्शन लेगा। आप देखिए कि बाकी अगर हम कंपेयर करें मुंबई से नवी मुंबई को, तो मेरे ख्याल से नवी मुंबई में जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा जो सिडको है, हमारी जो एनएमसी है वो काफ़ी सतर्क है कि कोई भी प्रेशर में जल्दी आते नहीं है वो, इवन कुछ भी टाइप के पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ भी प्रेशर हो, हम ऐसे ही देखते कि थोड़ा सा भी अगर कुछ इलीगल काम होता है वो इमीडिएट हरकत में आ जाते हैं, इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमें इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट है, कम से कम एनएमएमसी का न्यू बॉम्बे में तो हमें कुछ इस चीज़ की ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। तो मैडम आज के लिए इतना ही, आज आपने जिस हिसाब से आपने क्लिपिंग देखा, जैसे हमने लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोगों को डायरेक्ट उनकी जो परेशानियां हैं, ताकि आज जैसे आपने देखे दो तीन जो हमारे जो सवाल जो है जिन्होंने भेजे, रो भी रहे हैं कि इतने परेशान हो चुके हैं, तो मतलब ऐसे काफ़ी लोग परेशान होते रहेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि काफ़ी लोग चाहे तो हमें ई मेल्स भी भेजे, फ़ोन पर भी सवाल भेजे जैसे चल रहा है हमारा, और काफ़ी लोग चाहे तो हमें डायरेक्ट आके हमें बोल सकते हैं, हम हमारी टीम उनके घर पे भेजेंगे कि आपका डायरेक्ट क्या सवाल है, तो बताया मतलब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लोगों को एक तो समझना चाहिए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा बोल के नहीं चलता है। लॉयर्स के पास आप जिस भी एरिया में हैं, आपको कोई भी कदम उठाना है, आप लॉयर को जाके पूछो, अगर लॉयर आसपास नहीं है तो कोई भी जानकार से पूछो, लेकिन मुझे पता है नहीं था बोलकर आप प्रॉब्लम्स में गिरते हो। आप वेरी गुड इनिशिएटिव, आप लोगों से क्लिपिंग्स लीजिए, हम ऐसे ही सबके आंसर्स देते रहेंगे। ये थोड़ा सा मैडम जैसे कुछ एजुकेटेड जो लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों टाइप के लोग हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों हैं, तो जो एजुकेटेड लोग हैं तो चलो वकील एडवोकेट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके मन में थोड़ी सी हिच रहती है कि अभी मैं एडवोकेट के पास जाऊँगी। एक नॉर्मल है, देखिए आप और मैं तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, हमारे प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन एक जो नॉर्मल है, जो एक जो किधर भांडी गास्ती है, जो किधर वॉचमैन है, ऐसे जो लोग हैं वो एक उनको एक डर लगता है कि भाई अगर एडवोकेट के पास जाऊंगा, एक जैसे कहते ना कि तो बहुत भारी फीस देनी पड़ जाएगी, काले कोट वाले से और सफेद कोट वालों से दूर रहना चाहिए, एक कहावत है। तो उसी हिसाब से कि पब्लिक को एक मन में डर रहता है कि अगर मैं 6,500 के चक्कर में मेरे को एडवोकेट बड़ी फीस नहीं मांग ले, तो लोगों को थोड़ा सा हम लोग को इस हिसाब से ये करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चैनल के थ्रू सबको बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एडवोकेट अच्छे भी है आपको सजेशंस देंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा फंसना चाहते हैं, जैसे आज छोटा सा एग्जांपल है, 3,50,000 उनके अटक गए, आज जो 3,50,000 जमा करने में उनको काफ़ी सालों की मेहनत गई हुई, तो आप छोटी सी फीस का टेंशन मत लीजिए, आप हर चीज़ के लिए हर एक स्टेप एडवोकेट को पूछ के लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी इस चीज़ का परेशानी ना हो। वकील के पास ना जाना हो तो संजय जी को पूछ लीजिए, वो यहाँ पूछ लेंगे, चैनल पे पूछ लेंगे। देखिए कैसे मैडम, जो लीगल चीजें हैं ना, वो आप चैनल पे हम लोग जवाब क्लियर कर देंगे उनका, बिल्कुल।
तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, अभी जब नेक्स्ट हफ्ता आएगा तो उसमें हम लोग यही कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम डायरेक्टली उनके सवाल पूछ सके। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।